बेटे की गुड मॉर्निंग हो गई है, इसको मैंने सुबह सुबह नहलाया है। ये आराम से नहा लेता है, पहले तो दो बंदे पकड़ते थे, अब जाता है अकेले जाकर नहा कर जाता है ना बेटी। ये बिल्ली की तरह क्यों करता है ऐसे? गुल्लू के साथ रहा है ना इसलिए। इसको लगा दिया उनका, थोड़ी देर ऐसे खेल ले, फिर उसको जो है मैं चेंज करवाती हूँ। मैं हमारे बन रहा है कीमा बन रहा है और ये बना रही है सनिया। सनिया आपको कीमा बनाना आता है कि एक्टिंग करनी है? एक्टिंग करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा था मैं भी एक्टिंग करती हूँ, खाना मुझे बनाना नहीं आता, बस मैं बनाने के लिए वीडियो बना। अच्छा बनाती है कीमा? खाना खोला हुआ है? फाटक क्यों खोला हुआ है? किसके लिए खोला हुआ है? क्या है? एयर फ्रेशनर। अच्छा खिड़की नहीं है, इसको एयर फ्रेशनर बनाया हुआ है माशाल्लाह से। जुगाड़। शाहरुख अजमल जो है वापस आ चुका है। शाहरुख सारा काम हो गया? बस सब कुछ हो गया, बस कल तुमने सेटिंग करनी है। हाँ, सब कुछ चल गया। सुबह से बेचारा गया, थक गया। थक गए हो ना? हाँ। चलो कोई बात नहीं, बस आज तुम्हारा काम खत्म। लग गया ना? हाँ नेट भी लग गया, बल्ब हर चीज़ लगी, अब कल से मेरा काम। और ये देखे जरा हम बेटे को, देखो इसको कैसे सो रहा है इसका बेटा। अभी रात का टाइम है, आज मैंने सिर्फ मुख्तसर सा ही ब्लॉग बनाया इसलिए क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी, दूसरा मुझे सब फिर वजह से मुझे बुखार आने वाला, तो मैं सोचा कि मैं अपना आज का दिन जो है ना प्रॉपर रेस्ट करती हूँ। शाहरुख ने जो है जितना भी घर का सारा सामान था वो शिफ्ट करवा लिया हमारे न्यू घर में। बाकी कल से आप लोग को दिखेगा कि घर की सेटिंग एक एक चीज़ इंशाल्लाह, और कुछ चीज़ें मैंने लेनी भी है नहीं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज जो है मैंने कब मुझे क्वेश्चन जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, मैं सोचा मैं आपको जवाब दूंगी, बट मैं सोचा एक दिन आराम से बैठ के ऐसा कौन से जगह, मैं दो तीन दिन से फ्रेश थी, स्टिल आई एम नॉट फ्रेश। जब तक मेरा घर सेट नहीं होता, मैं अपने घर में बिल्कुल सेट नहीं होता, तब तक मैं फ्रेश बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ओके, तो ऐसे कुछ लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि आप सनिया के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं और सुमेरा और फातिमा के लिए नहीं लेकर आई, अबाया। बल्कि मुझे वॉइस मैसेज आया था कि नैना सनिया के लिए एक अबाया, एक नमाज की चादर और एक जाय नमाज लेकर आना। उसने कहा था कि तुम जब पाकिस्तान आओगी मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूँगा, तो क्योंकि दिलबर को पता था कि उधर उस टाइम मेरे पास वहाँ पे पैसे नहीं थे, ये तो एंड डे के पे मुझे क्लासेस के पैसे जो मतलब मुझे मिले, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जो है उसके कहने पर उसके लिए वो सामान लेकर आई। वरना मैं जब भी जाती हूँ मैं बच्चों के लिए, मैं हर किसी के लिए गिफ्ट हमेशा लेकर आती हूँ, बट इस बार क्योंकि मैं इस बार इतना स्टेबल नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें हर किसी के लिए गिफ्ट ले सकूँ, तो मैं नहीं किया, बस अम्मी के लिए एक पर्स लिया और इसके लिए जो है अबाय और ये सब चीज़ें उनके लिए, और उसके उन्होंने मुझे पैसे दिए, जबकि मैंने उनको मना किया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन दिलवर ने मुझे उसके पैसे दे दिए कि नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे नीड नहीं, हम लोग कब से तुम्हारे घर मम्मी रह रही है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप इसके पैसे ले लो। हमारा ये कमेंट था कि आप जो है खुद सबसे मिलने क्यों जा रही हो, हालांकि आप उमरा करके आई हो तो आप सबसे मिलने क्यों जा रही हो। सबसे पहली चीज़ कि ना मैं बेशक मैं उमरा करके आई हूँ, लेकिन अगर मेरा अपना घर होता तो सब मुझसे मिलने आते, लेकिन मैं अभी इस टाइम अपने घर पर नहीं हूँ, आपा वालों के घर पर होती हूँ और होती हूँ मैं दिलबर वालों के घर। जितने भी गेस्ट आएंगे मैं नहीं चाहती कि मैं तो मेरे घर वाले डिस्टर्ब हों या फिर वो लोग भी डिस्टर्ब हों, जैसे कि वो आएंगे तो मैं हर चीज़ नहीं कर सकती जिस तरीके से मतलब एक मेहमान घर में हमारे घर में आता है, हम उठ के हर चीज़ करते हैं, जहर से बात है मेरे भाई घर है, मैं चाहती कि उनका मतलब फैमिली डिस्टर्ब हो, मेरे गेस्ट बार 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 आएँ। दूसरी चीज़ ये कि फरिया और अलीना को मैंने नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, मैंने उनको बताया था कि मैं 27 को आऊँगी, जबकि मेरी टिकट 26 की थी, मतलब मैं उनको सरप्राइज़ करना चाह रही थी, क्योंकि अलीना मुझे बार बार कॉल्स करती थी, मतलब उससे मुझे बहुत बार कॉल्स की, फरिया की भी कॉल आती, तो मैं चाहती कि मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी, इस वजह से मैं उनको नहीं बताया था। रीजन था जिसकी वजह से मैं उनके पास खुद मिलने गई थी, और बाकी हीरा को पता लग गया था और हीरा को मिलने आना था, बट वो आ नहीं सकती क्योंकि मैं मतलब इधर थी, दिलबर वालों घर थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद उनसे मिलकर रहती हूँ, नॉट अ बिग डील। फिर मैं बाकी भी मतलब 4 से 5 दिन लग जाएंगे, तो इसलिए मैं उनसे खुद मिलने चलेगी। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि ये पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप उमरा करके आए तो आपने बस आपके पास ही सब आए, आप नहीं जा सकते। इट्स ओके, हम हर किसी से मिल सकते हैं, ये पता नहीं क्या हो, किसने बनाए ये रूल्स, मैं इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती, मेरे अंदर कोई अना नहीं है, मतलब ईजी हम बस सही है, ठीक है हम, अगर मैं बाहर से या फिर मैं कहीं से भी आई हूँ इट्स ओके, मैं सबसे मिलने जा सकती हूँ, मतलब सही है, हमें ये तो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। खैर तो चीज़ ये एक और क्वेश्चन था कि ना पता नहीं कहा कि कैसे तुमने सरप्राइज़ दिया है अलीना को और फरिया को, क्या वो तुम्हारे व्लॉग्स नहीं देखते। पहली बात तो मैंने सुबह 9 बजे अलीना से कॉल करके पूछा कि मैं तुमसे मिलने आऊँ,
उसने कहा, मैंने नहीं कहा था, शाहरुख ने कहा मैं तुम्हें पैसे देने आ रहा हूँ, उसके पैसे देने थे असल में। तो उसने बोला नहीं अभी क्यों आ रहे हो, बाद में ना। 12 बजे उसने कॉल किया, उसने बोला अभी नहीं बात है, मैं दर जा रही हूँ जॉब पर। और जब वो जॉब पर जाती है 12 बजे वो चलेगी, उसने बोला मैं रात को आऊँगी तो रात को तुम लोग आके मुझसे मिलना। अब जब वो जॉब पर जाते हैं ना उस टाइम उसका मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो मुझे ये पता कि मोबाइल वहाँ पर चलेगी, उसको मोबाइल अलाउ नहीं होगा, तो अब जो है मैं जाके व्लॉग अपलोड कर सकती हूँ। मैंने तब तक व्लॉग अपलोड नहीं किया था, मतलब जो मैं पाकिस्तान आ रही थी ना वहाँ का एयरपोर्ट का, मैंने पाकिस्तान में आके अपलोड किया था तकरीबन 2 बजे ऐसे कुछ ना। फिर मैं पहले फरिया से मिली, और फरिया से मिलने के बाद मैं उधर बैठ के ही मैंने व्लॉग अपलोड किया। मैंने कहा मैंने अभी तक व्लॉग अपलोड इसलिए नहीं किया कि तुम लोग देख लोगी कि मैं आ गई हूँ, फिर तुम लोगों को पता लग गया था, इसलिए मैंने कहा मैंने अपलोड नहीं किया। और अलीना, फिर जब अलीना आ गई उससे मैं उस टाइम मिली, मिलने के बाद मैंने उसको, उसने कहा मैंने अभी तक तुम्हारा, उसने लेकिन उसने हाँ देख लिया क्योंकि सुबह मैंने व्लॉग अपलोड किया, जब वो जॉब से आई थी रास्ते में कई बार देख लिया था, उस टाइम मुझे मैसेज भी किया था कि तुम आ गई हो मुझे बताओ। मैंने कहा मैं नहीं आई, मैं अभी जो है मेरा स्टे है, मैं अभी मतलब कल आऊँगी इनशाला। तो खैर उसको शक तो हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने शाहरुख को भेजा, और शाहरुख के साथ मैं भी थी, तो मैंने उसको बताया कि जब उसके सामने की तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसका एक्सप्रेशन, उसका वो मुझे किस तरीके से देख रही है, तो मुझे वो बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा। और मुझे देखना था वो शॉक कैसे होती है इतने टाइम के बाद हम लोग मिल रहे थे। एक और चीज़, ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं लिपस्टिक लगाती हूँ रेड कलर की, और मैंने जो है यहाँ पर जब मैं मदीना से वापस आती तो मैंने रेड कलर का, डार्क रेड कलर का मैंने ड्रेस पहना हुआ था, और मैं मदीना में भी मैंने तब आप लोगों ने कहा कि एक दो बार हमने देखा है कि तुमने ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई थी, तो ये कैसा तुम रह कर आई हो, तुमने ये क्या किया, तुम पाकिस्तान में आके इतना रेडी कैसे हो सकती हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के ट्राउज़र शर्ट जो है ना बहुत लूज़ थे, आप लोग देख सकते थे, शलवार के मुझे होते ना, शलवार मुझे भी मेरे फिटिंग में होते हैं, लेकिन वो जो थे ना वो लूज़ थी बहुत, तो उसमें कुछ भी बॉडी बिल्कुल भी इन्हेंस नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि मैं पाकिस्तान आके मैंने रेड लिपस्टिक क्यों लगाई और मैंने क्यों रेड कलर का ड्रेस पहना, तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर जो है वो मेरा यहाँ पर है, ठीक है, पाकिस्तान में। कोई भी बीवी, आप लोग जाके किसी को भी देख लें, मैं ही नहीं, आप लोग भी अगर समझो अपने हस्बैंड से एक मंथ के बाद मिल रहे हो, आप लोग रेडी होके जाओगे, जाहिर सी बात है उससे मिलने जा रहे हो, जाहिर सी बात है मेरी कितनी एज है, 24 है, मैं ये सब चीज़ें करूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता कि तुम ऐसा क्यों करती हो, मतलब मुझे पसंद है, मैं अपने शोहर के लिए अगर मैं रेडी हो रही हूँ, वैसे भी इस्लाम में भी ये गलत नहीं है कि अपने शोहर के लिए आप रेडी हो सकते हो, आप नील पेंट लगा अपने नील बड़े रख सकते हो अपने शोहर के लिए अगर आपकी नीयत साफ है। तो मैंने मदीना में तो ऐसे रेड ड्रेस नहीं पहने, मैंने मदीना में तो ऐसी ड्रेसिंग नहीं की जैसे मतलब रेड ड्रेस पहन के और फुल रेड लिपस्टिक लगा के घूम रही थी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लाइक हाँ, जब मैं दैट टाइम रेडी होती थी इसलिए कि सलोन में उन्होंने कहा था कि उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि आपको रेडी होकर रहना है, बाकी यहाँ पर आने के बाद मैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसा सवाल कर सकता है कि क्यों तुम रेडी हुई हो, मेरी लाइफ है, मैं शादीशुदा हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर के सामने अच्छी दिखूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक और क्वेश्चन था कि आप जो है दुपट्टा नहीं पहनती हो और प्रॉपर जैसे आप स्कार्फ नहीं करते हो और कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारी उम्र का। देखो एक चीज़ है, मैं अल्लाह ताला से डेली दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस चीज़ का मतलब मुझे तौफीक दें और मुझे इससे ज़्यादा हिदायत दें कि मैं प्रॉपर दुपट्टा पहन सकूँ। मैं उस तरीके का दुपट्टा नहीं पहन सकती कि बस मैं किसी टाइम दुपट्टा पहनूँ फिर मैं बिल्कुल उतार दूँ, ठीक है, मैं ना बिल्कुल एक ही रहना चाहती हूँ। मैं डबल ट्रिपल अपनी जो है ना वो नहीं बना सकती, क्या कहते हैं इसको, बीच बीच में ना जो मैं मोमो बन जाती हूँ ना, मुझे इससे बड़ा मसला हो रहा है आजकल। मैं अपने 3-4 करेक्टर्स नहीं रखना चाहती आप लोगों के सामने, मैं जो हूँ आप लोगों के साथ वहीं चलना चाहती हूँ। लाइक कि मैं दुपट्टा नहीं पहनती, घर में नहीं पहनती, तो मैं इधर भी नहीं पहनती, मैं इधर भी पहन के दुपट्टा पहन के आप लोग के सामने आके नहीं दिखा सकती। लाइक मैं व्लॉग्स में क्या बन के रहना, मैं हूँ ऐसी, मैं शादियों में जब दुपट्टा नहीं पहनती तो मैं घर में पहन के आप लोग को क्यों दिखाऊं। जब मैं बाहर जाती हूँ मतलब हम लोग जब कहीं जाते हैं तो मैं दुपट्टा मेरा मतलब हाँ बाहर जाते हैं दुपट्टा सर पर होता है, लाइक हम लोग कभी कहीं जाते हैं फिर कहीं जाकर उतार देना गले में पहन लेना, इस तरीके का मेरा होता है, मैं वही दिखाऊंगी, ठीक है। इस हाँ ये चीज़ गलत है, मैं मुसलमान हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला मुझे जब तक हिदायत देंगे, जब मैं प्रॉपर एक जैसी रहूँगी कि मैं दुपट्टा नहीं उतारी बिल्कुल भी, मतलब आपको पता है उसको पहनूँ तो आप शादी पे जा रहे हो आपका हिजाब हो, आप बाहर जा रहे हो आपका हिजाब हो, आप घर पर हो आपका हिजाब हो, आपके फिर बाल आपके शोहर के अलावा फिर कोई भी ना देखे। जो कि मैं मुझे लगता कि अभी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती, मतलब अल्लाह ताला से इसकी मुझे हिदायत दे, यकीन करें मुझे चाहिए कि मैं ऐसी हो जाऊँ। जब मुझे अल्लाह से हिदायत देंगे तो मैं जब मैं पूरा कंटिन्यू रखूँगी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और बस ये है, बस सब बातों की एक बात है कि मैं झूठा बन के नहीं रहना चाहती, बस जो भी है रहना चाहती हूँ, मैं नहीं दिखाना चाहती कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, नहीं, जब मुझसे चीज़ नहीं हो रही तो नहीं हो रही, तो बस। और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बाकी जो मुझे मेन जो मुझे लगा जिसका मैं जवाब देना चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक मैंने उसका जवाब दे दिया है। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा जवाब देने का तरीका, मुझे कोई बात बुरी लगी उसके लिए माज़ा चाहूँगी। किसी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता कि
कि उसको अच्छी चीज़ अच्छी लगे, राइट। तो मिलते हैं कल एक अच्छे व्लॉग के साथ। कल का व्लॉग बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आज का रेस्ट डे था और मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।